ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में लगातार ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। इस पर कसौली के जाने माने होटल का मैनेजर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है, जिसके खाते से हैक कर खाते से 76,000 रुपए शातिर ठगों ने उड़ा लिए हैं। पुलिस लगातार सोलन वासियों को जागरूक कर रही है कि आप अपने बैंक का विवरण किसी भी हालत में किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसके बावजूद भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ठगों के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी जमा पूंजी लुटा देते हैं। सोलन में लगातार ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। इस पर कसौली के जाने माने होटल का मैनेजर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है, जिसके खाते को हैक कर खाते से 76,000 रुपए शातिर ठगों ने उड़ा लिए हैं। पुलिस लगातार सोलन वासियों को जागरूक कर रही है कि आप अपने बैंक का विवरण किसी भी हालत में किसी भी अनजान व्यक्ति को न दें। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि उसके बावजूद भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ठगों के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी जमा पूंजी लुटा देते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के जगदीश कुमार रमाड़ा होटल के प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हैं। उनके द्वारा गैस का कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया और वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क साधा गया, तो व्यक्ति ने उनसे बैंक का विवरण मांगा और उसके कुछ देर बाद ही उनके बैंक अकाउंट से 76,000 रुपए निकाल लिए गए। जगदीश को पता चला कि उनका खाता हैक कर लिया गया है। उन्होंने इसकी सूचना बैंक और पुलिस को दी, जिस पर अभी जांच की जा रही है। एक मिस्टर जगदीश कुमार हैं, जो कि यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे रमाडा होटल में वो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हैं। उन्होंने पिछले कल हमारे पास कसौली थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि वो अपनी गैस कनेक्शन लेने के लिए विपुल गैस एजेंसी की साइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो ये जो साइट पे जो कॉन्टैक्ट नंबर था उस पर कॉन्टैक्ट किया गया। उसने कुछ डिटेल उनकी बैंक की अकाउंट की मांगी, वो देने के बाद उनके अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो गए और उसमें से 76,000 रुपये जो है उस अननोन व्यक्ति ने उनके बैंक अकाउंट से उनकी मर्जी के खिलाफ निकाल लिए हैं। इस पर पुलिस ने 420 IPC के तहत केस दर्ज किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।